तुर्की में विनाशकारी भूकंप से तबाही मची हुई है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी लोगों की तलाश चल रही है मलबे में। भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीमें भेजी है राहत और बचाव कार्य के लिए। इस बीच भारतीय कुछ भी थे वो जो वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन वहां पर न होकर बल्कि भूकंप केंद्र से ज्यादा दूर इस्तांबुल में थे, और उनकी भी क्या स्थिति वहां पर थी और किस तरह का माहौल हो गया था इस्तांबुल में, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जो अभी इस्तांबुल से लौट कर आए हैं, कराटे के ट्रेनर हैं, सैयद अबू साद। सर आपने भी देखा और कुछ हद तक आपने वहां महसूस भी किया होगा क्योंकि आप उसी देश में थे, भले थोड़ी दूरी पे थे, इस्तांबुल में थे, तो आप वहां कैसे पहुंचे और फिर क्या अनुभव किया आपने? सर हम लोग है, हमारे कराटे का सेमिनार था पोलैंड में, जो कताना ये सब चलाते हैं इसके सेमिनार थे। तो इस सेमिनार को जब हुआ हमारा, तो हमने सोचा कि ये इस्तांबुल है, घूमते हुए जाते हैं, उसका ई वीज़ा मिलता है, तो हमने कंप्यूटर पे ई वीज़ा लिया मोबाइल से, और ई वीज़ा लिया तो हम लोग इस्तांबुल गए। तो जिस दिन जैसे इस्तांबुल पहुँचे उसी दिन रात में, ये सुबह में उस दिन ये हो गया, अनाउंस हो गया कि भूकंप भूकंप आया है, ऐसा कुछ है, और मौसम विभाग ने ये बोला कि मौसम खराब रहेगा और स्टॉर्म ये सब चालू हुआ। आप लोगों ने रात में महसूस नहीं किया? नहीं, रात में हम सोए हुए थे, हमको पता नहीं चला। सुबह जब उठे 6-7 बजे कुछ उठे, 6 बजे तो सब पूरा होटल वोटल खाली था, नीचे बहुत भीड़ लगी हुई थी और सब ये सब मतलब काफ़ी उल्टे उल्टे सब बातें चल रही थी, लेकिन झटके नहीं थे ये कुछ पता समझ में नहीं आया क्योंकि हम सोए हुए थे ना, पता नहीं चला। तो सुबह जब उठे तो ऐसे इस तरह के माहौल थे सब। तो धीरे धीरे देखे तो पूरे एरिया जो हमारी जो टूरिज्म की एरिया थी वो खाली होने लगी सब कुछ, और जो मार्केट हम लोगों को शॉपिंग भी करना था तो वो सब बंद से, दुकान वकान बंद हो गई, और मौसम का ये जानकारी आई कि बंद रहेगा सब कुछ और भयानक बारिश हो रही होगी। तो हम लोग थोड़ा फिर भी हम लोग गए, थोड़ा वो ब्लू मॉस्क है वहाँ तक गए ऊपर तक, तो बहुत तेज़ हवा चलने लगी है और आँखों पे ना वो जो बर्फ़ के बर्फबारी होते स्नोफॉल वो बहुत तेज़ चलने लगा और हवा बहुत तेज़ थी, तो सब मार लगने लगी और भूकंप के डर से लोग ना फिर छोड़ने लगे, सब जाने लगे, तो सब एयरपोर्ट की तरफ निकले। तो हम लोग ने उस दिन की फ़्लाइट हमारी कैंसिल हुई, दूसरे दिन भी कैंसिल हुई, फिर तीसरे दिन हमने ना इंडिया में किसी को बोल के यहाँ से हमने फ्लाइट कराया। तो जब इस फ्लाइट से हम गए तो ये फ्लाइट हमको फ्लाइनास एयर मिली, ये फ्लाइनास एयर इस्तांबुल रियाद मुंबई थी। तो हमने इस्तांबुल गए तो हमारी पहले दिन जब होटल से निकल रहे थे 4.5 घंटा लेट, वहाँ पहुँचते पहुँचते 5.5-6 घंटा लेट हो गई, फिर 8-9 घंटा लेट हो गया, रात को 9 बजे फिर फ्लाइट चली। तो वहाँ से फ्लाइट जब चली तो पूरे वो एयरपोर्ट पे अफरा तफरी थी, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं थे बराबर काम करने वाले, और जो पब्लिक थी वो कहीं सोई हुई थी, रेलवे स्टेशन पे पड़ी रहती किनारे यहाँ वहाँ चालू डब्बे में, अव्यवस्था हो गई थी। हाँ व्यवस्था हो गई थी, सब एकदम परेशान, क्योंकि वो एक ही एयरपोर्ट था, अतातुर्क एयरपोर्ट शायद बंद था वहाँ पे, और सभी यहाँ एयरपोर्ट ही सब यूज़ करते थे लोग, जितने भी टूरिज्म आते थे पूरा यूरोप साउथ ईस्ट ये सारे लोग वहाँ पर आते थे, इस्तांबुल टूरिज्म प्लेस है, तो काफ़ी सब कुछ था। तो पहले दिन आप आ ही नहीं पाए, लौट नहीं आया? नहीं नहीं, फ्लाइट नहीं मिली, पूरा इतना भीड़ थी, सब बंद हो गए, सब लफड़ा सब चालू हो गया, तो हम लोग डर भी लग गया, थोड़ा घबरा के बोले ये क्या हो गया दूसरे देश में। तो सभी देशों के जो लोग भी आए थे वहाँ पे पर्यटक, सभी घबरा के भाग रहे होंगे? फ्रेंड्स थे ना हांगकांग के, कोरिया के हमारे फ्रेंड्स लोग भी थे, वो लोग भी परेशान हो गए सब लोग। तो अकेले थे कि आपके साथ भी कोई? हमारे साथ भी थे, 2-3 लोग थे, दो फ्रेंड थे हमारे, हिंदुस्तानी थे और हांगकांग के, यहाँ वहाँ के जो भी फ्रेंड थे, क्योंकि सब ग्रुप वहाँ से जब सेमिनार खलास हुआ तो सब गए, बोले चलो जाते हैं, तो सब कुछ लोग आए, इस्तांबुल आए हम लोग घूमने। तो इस तरह से तो एयरपोर्ट पे बहुत भयानक वो था, तो यहाँ तो लेट हुआ, फिर हम रियाद गए तो रियाद में ना 20 घंटे लेट होगी फ्लाइट, जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी 20 घंटे लेट हुई, तो कोई होटल नहीं कुछ नहीं दे रहे हैं, और जो रियाद का जो नया एयरपोर्ट बना हुआ है वो 1 महीना हुआ है कुछ बोले उन्होंने चालू हुआ, वो एयरपोर्ट की एक प्रेमाइसिस दी थी, उसके अंदर बोले इसके बाहर नहीं आ सकते आप, उसी के अंदर रहिए, आपको खाना आएगा, लेकिन हम लोग 2-3 घंटे तक थे, खाना पीना नहीं है, हम लोग परेशान हैं, बोले अभी 20 घंटा लेट दे रही है, आगे कनेक्टिंग फ्लाइट पता चला और लेट हो गई तो परेशान हुए। तो हम लोग ने यहाँ पे एक फ़ोन किया एक दोस्त को, उसे एयर इंडिया की टिकट मंगाया, और एयर इंडिया की फ्लाइट में हम लोग ना सब सामान जो हमारा सामान भी छोड़ दिया, हमारा बैग है जो अभी भी एयरपोर्ट पर है, तो हम लोग ने उस फ्लाइट में अपना सामान दूसरी जो एयर इंडिया की फ्लाइट है उसमें हम लोग इधर आ गए और यहाँ आकर बैग का क्लेम किया है, बैग अभी तक आया नहीं है कल से, तो ये हो नहीं तो अगर उस फ्लाइट के वेट करते तो शायद हम आज पहुंचते थे, आज आते थे। बहरहाल आप इस्तांबुल में थे भूकंप का केंद्र से बहुत दूर, जहाँ की इमारतें गिरी नहीं या झटका महसूस भी नहीं हुआ, आप सोए थे रात में, तब तो आपको उसकी गंभीरता पता नहीं चली होगी, लेकिन आप लोगों को कब पता चला कि भूकंप आया है और इतनी बड़ी संख्या, बड़े भीषण आया है कि बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, ताश के पत्तों की धर गई? सुबह में हमको पता चला कि सब कुछ तो हुआ है, ऐसा भूकंप आया, ये आया, ऐसा इस तरह से चला है, लेकिन दोपहर शाम होने तक में ना ऐसा पता चला इतने हजार लोग मर गए हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, बिल्डिंग गिर गई, ये हो गया है, तो हम लोग भी सब घबरा गए, जितने टूरिज्म थे हमारे फ्रेंड वेंड सर्कल में वहाँ के लोग थे जो सब रोड पे आ गए, सब डर हो गए।
तो फिर शाम शाम होने होने तक हम लोगों ने भी टिकट विकेट का चालू किया, तो फ्लाइट कैंसिल या कैंसिल सारी चीज़ कैंसिल होने लगे। फिर सेकेंड थर्ड डे हम लोग को टिकट विकेट करके हम लोग फिर वाया जैसा बताया मैंने, वाया फ्लाइनेस एयरलाइन से वाया रियाद और फिर यहाँ मुंबई पहुंचे। आप सकुशल आ गए हिंदुस्तान नहीं, वापस। बहुत अच्छा। हम अपने देश, इसीलिए हमने एयर इंडिया फ्लाइट लिया कि हम पहले यहाँ से भागे फटक से अपने देश जाएंगे, अपने घर जाएंगे तो खुशी रहेगी। तो हम लोग फटाफट भागा यहाँ वापस, जल्दी जल्दी आए। हम लोग रुके भी नहीं, हमारा टिकट विकेट पैसा सब खराब हो गया। वो प्राइम मिनिस्टर की टिकट विकेट भी नहीं कैंसिल कर रहे, हम आ गए, हमारा सामान भी वैसे पड़ा रह गया। तो हम लोग यहाँ चले गए फटाफट, धन्यवाद बात और करने के कंटिन्यू लिए। 2 दिन, कंटिन्यू दो दिन झटके आए हैं वहाँ पे। 2 दिन कंटिन्यू, 2 या 3 दिन झटके आए। हम लोग वहाँ थे, झटके आ ही रहे थे, परेशान हो रहे थे सब पब्लिक। और वहां पे वो झटके आप लोगों ने महसूस किए दूसरे दिन, जब हाँ, बाद में दूसरे झटके दिन आए। हुआ ना, दूसरे दिन का झटके पता चला हम लोग को। तो हम लोग बोले कि ना कुछ तो है, तो विंडो शायद हल्की सी टेढ़ी उड़ी थी कुछ, तो उस तरफ से उसकी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। तो हम लोग बोले एकदम, और लाइट आ रही जा रही थी, जो इस्तानबुल में लाइट थी कभी, हम लोग ये सिटी कैसा है, मुंबई में शहर में जैसे लाइट कभी जाती नहीं है, यहाँ लाइट जा रही। तो 8-8 घंटा लाइट चली जा रही थी, जनरेटर चालू कर, जनरेटर बंद हो रहा, तो बाहर जो ठंडी स्नोफॉल है तो वो ठंडी अंदर आ रही। ये सब भूकंप की वजह से हो रहा था। हाँ, सब भूकंप की वजह से, सब लोग सर्कुलेट हो रहा था, भूकंप और स्ट्रॉम हवा बहुत तेजी चल रही थी उसकी, ये दो चीज की वजह से प्रॉब्लम हो रही। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़िक के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।